हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो स्टूडेंट, आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2C की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 2 आपका फैक्टर एंड मल्टीपल, क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ्स की बात करेंगे। 2B तक ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा और आज हम पार्ट सी की बात करें। जो भी बच्चे हमारे न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सबसे पहले ये प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स होता क्या है, देखिए जब हम किसी नंबर के फैक्टर्स करते हैं और उस फैक्टर्स में जो नंबर्स आते हैं, जब उसके हम लोग फैक्टर करते हैं और फैक्टर्स में जो नंबर आते हैं वो कैसे नंबर होंगे, आपके प्राइम नंबर होंगे, तब हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यानी हम इन्हें जो पार्ट्स हमको गिवन है, क्वेश्चंस जो हमें गिवन, इनके हमको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने। तो देखिए 12 का सबको मालूम है, 12 का हम लोग कैसे करेंगे, 12 का कैसे करेंगे बच्चों, 2 6 होता है 12, 2 3 होता है 6 और 3 1 कितना होता है 3। तो 12 का क्या फैक्टर हो गया स्टूडेंट, 2 × 2 × 3 और 2 की पावर, यानी 2 कितने बार है, 2 टाइम है, तो 2 की पावर 2 इंटू कितना लिख देंगे आप इसको, 3 लिख देंगे। तो ये हमने क्या किया, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आप लोगों का। अब इसी के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे और 2 में हमको क्या गिवन है, 18 गिवन है। क्या गिवन है, 18। अब 18 के भी सबको फैक्टर्स मालूम है, 18 का क्या हो जाएगा, 2 9 जा सर 18 होता है सर, 3 3 जा 9 होता है और 3 1 जा 3 होता है, यानी 18 के फैक्टर क्या आ गए, 2 × 3 × 3 दैट मीन्स 2 × 3 की पावर 2। यही क्या आप लोगों का आंसर आ गया, देखिए है इजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको इसके लिए क्या है, टेबल आनी चाहिए और आप ये सब 4th 3rd 2nd क्लास से ही आप लोग ये करते आ रहे हैं, तो शायद किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी। चलिए इसी के बाद हम अपने कौन से पार्ट पर आ गए, इसके क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 3rd क्वेश्चन पर, और 3rd में हमें क्या कह रहा है, 48 गिवन है। क्या गिवन है आपको, अब 48 गिवन है, तो 48 का अब हम यहां पर फैक्टर करेंगे। देखिए 3rd पार्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, 48 के फैक्टर करेंगे। देखिए तो 48 का कैसे होगा सब बच्चों, 24 आ जाएगा, ये कितने, 12 2 जा सर होते हैं 24 सर, 2 6 जा होता है सर 12, 2 3 जा होता है सर 6 और 3 1 जा होता है सर कितना, 3। ठीक है, इसी को तो प्राइम नंबर, ये 2 और 3 कैसे नंबर है सर, ये प्राइम नंबर है। तो 48 का क्या निकल के आया बच्चों, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 1 2 3 4 1 2 3 4 × 3 क्या लिखेंगे सर, 2 की पावर 4 × 3 लिख देंगे हम इसको। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया जी आपका, 3rd क्वेश्चन आ गए हम लोग आ गए इसी के बाद अपने 4th पर, यानी क्या गिवन है, 56 गिवन है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी आप लोगों के लिए न्यू क्वेश्चन नहीं है, क्यों, क्योंकि आप लोग ये पहले ही प्रीवियस क्लासेज में सब पढ़ के आए होंगे। देखिए 56 है सर, 28 2 जा होता है सर 56, अब देखिए सबको याद होगा तो कर लेंगे, 14 2 जा होता है सर 28 सर, 2 7 जा होता है सर 14 और 7 1 जा कितना होता है सर यहाँ पर 7। तो 56 का क्या फैक्टर आया निकल के, यहाँ आप लिखेंगे सर 2 × 2 × 2 × 7 और 2 की पावर कितना आ गया 3 और इंटू में कितना आ गया आपका 7। बात समझ में आ गई क्या, ये आपका क्या आ गया देखिए फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका, 4th हो गया। देखिए अब हम आ गए अपने कौन से क्वेश्चन पर, 5 पर आ गए हैं। चलिए 5 को देखते हैं, बहुत ही सिंपल, आप लोग आराम से क्वेश्चंस को नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे अपने कौन से को, 5 पर देखिए, और हमारे जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आ गए हम कहाँ पर, अपने 5 पर। टोटल कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन गिवन है, 5 गिवन आपको 90 के फैक्टर करने, किसके करने आपको, 90 के। देखिए आइए फैक्टर करने, देखिए 90 का करते आइए, सबको पता है सर 2 से जाएगा 45 सर, सबको मालूम है सर 5 से 9 टाइम जाएगा सर, सबको मालूम है सर 3 3 जा 9 होता है और सर 3 1 जा 3 होता है। तो 90 के फैक्टर क्या आ गए बच्चों, 2 × 5 × 3 × 3 यानी 2 × 5 × 3 की पावर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब इतना कंफ्यूज मत होना कि सर बुक में ऐसे लिखा है, तो आपकी मर्जी है, आप ऊपर वाला नंबर ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए जी, ये हमने करा कौन से को, 90 कर लिया हमने, और अब हम करेंगे कौन से पार्ट को, अपने को 6 क्वेश्चन पर आ गए हम, अपने कौन से पर आ चुके, अपने 6 क्वेश्चन पर हम अपने आ चुके हैं। और 6 में हमें क्या कहा गया है, 136 कहा गया, क्या कह रहा है नंबर में, 136। देखिए 136 देखिए सब ध्यान से, 2 6 12,
2 8 16, ये कितने बार जाएगा? ये आएगा सर 34, 2 जा कितना होता है 64। सर ये कितनी बार जाएगा? ये सर 17, 2 जा और 17, 1 जा, तो 1 3 6 के जो फैक्टर आ गए वो कितने आ गए बच्चों? ध्यान से देखें, 2 × 2 × 2 × 17, तो 2 की पावर कितना आ गया? 3, और इंटू में कितना आ गया आपका? 17। क्वेश्चन कौन सा हो गया आपका कंप्लीट? 6 हो गया जी आपका कंप्लीट। कौन से नंबर पर आ गए हम अपने? 7 पर आ गए। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है जरूर कमेंट्स करके बताएंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, जैसे कि आप लोगों को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो डिजिट गिवन है, जो नंबर गिवन है, 6 तो हो गया आपका, 7 पर आ गए हम। अब 7 में जो क्वेश्चन गिवन है 252 गिवन है। क्या गिवन है? 252 यानी 252 गिवन है आपको नंबर। चलिए इसको हम कर देते हैं अब, और अब हम करेंगे इसके फैक्टर, 7 में फैक्टर करेंगे। आइए देखें, चलिए तो 252, हमेशा सबसे पहले हम लोग छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो 12 2 24 और 12 2 6 12 किया जाएगा जी, 12 2 6 12, 2 3 6, ठीक है। अब कितना आ गया आपका? 30 आपका 63 आ गया। सर अब हम चलेंगे 3 से चलेंगे कितने टाइम? सर 21। सर 3 से चलेंगे सर 7 टाइम, और 7 वंजा होता है सर 7। तो 252 के जो फैक्टर आए डियर स्टूडेंट कितने आ गए? 2 × 2 × 3 × 3 × 7। अब क्या लिखेंगे इसको? सर 2 की पावर 2, सर 3 की पावर 2 × 7। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका? ये 7 कंप्लीट हो गया। चलिए 7 के बाद हम आ गए अपने 8 पर, और 8 में जो डिजिट गिवन है, जो नंबर गिवन है, 420 गिवन है। क्या गिवन है? 420 गिवन है आपका नंबर। चलिए मार्कर चेंज करते हैं और 420 को अब हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 और क्वेश्चन है 420। देखिए 420 के फैक्टर तो सबसे पहले देखिए 2 2 4 से ही चलेगा, है ना, तो 2 2 4, 2 1 2, और यहाँ पर आ गया जी आपका 0। अब यहाँ पर क्या चलेंगे हम लोग? सर फिर से 2 चल सकते हैं, 2 1 2 और 0 और 2 5 10, ठीक है भाई, 2 5 10 और 2 1 2 1 0 5 आ गया। अब आप लोग किससे चलेंगे? सर अब हम चलेंगे यहाँ पर 3 से चलेंगे। किससे चलेंगे? सर 3 से चलेंगे, क्यों भाई? 3 3 9 और 3 5 15 होता है, इसलिए चलेंगे। सर 5 7 35 होता है, सर 7 1 7 होता है। तो 420 के जो फैक्टर आए क्या आए बच्चों? 2 × 2 × 3 × 5 × 7, और क्या लिख सकते हैं? सर 2 की पावर 2 3 5 7, यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर, और 9 पे हमें क्या गिवन है अब हम उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। आइए, तो कैसी लग रही है वीडियो जरूर अपना कमेंट्स दें, अपना सुझाव दें। आप हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं हमें, मैच गुरु शिवम 87, और तिवारी क्लासेस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। 9 में क्या कह रहा है? 6 3 7, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। देखिए तो 6 3 7, बताइए कौन से नंबर से आप चल सकते हैं यहाँ पे? देखिए 7 से डायरेक्ट जा रहा है ना, 7 9 जा और 7 1 जा, देखिए, है ना। अब 7 से फिर कितने टाइम? 13 टाइम सर, और 13 1 जा कितना होता है सर? 13 होता है। तो 6 3 7 के फैक्टर क्या आ गए? 7 × 7 × 13, और क्या लिख सकते हैं आप इसको? 7 की पावर 2 × 13। हो गया जी क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट है जी। क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो 9 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आगे हम इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, और 10 में जो हमको गिवन है 9 4 5 गिवन है। क्या गिवन है 10 में? 9 4 5 गिवन है हमें 10 क्वेश्चन नंबर है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 9 4 5 को अब हम लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यानी हाफ हमारी एक्सरसाइज का पार्ट कंप्लीट होने वाला है। 10 क्वेश्चन होते ही हमारी हाफ वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन गिवी नहीं इस एक्सरसाइज में। क्या क्वेश्चन है? 9 4 5 9 4 5, चलिएगा, चलिए करते हैं 9 4 5 का। देखिए किससे टेबल जाएंगे? सर 3 से चलेंगे, क्योंकि 2 से या 5 आ रहा नहीं जाने का। तो 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, सर 3 1 3 और सर 3 5 15 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सर अब भी जाएगा क्या 3 से? बिल्कुल जाएंगे सर, 3 3 9 और 3 5 15। अब सर हम चलेंगे 5 7 35 और 7 1 7,
तो 945 के जो फैक्टर आए क्या है स्टूडेंट, 3 × 3 × 3 × 5 × 7 यानी 3 की पावर कितने टाइम सर, 3 टाइम, और 5 × 7 यानी ये हमारा हो गया जी क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। 10 यानी हमारी हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, ओनली 10 क्वेश्चन रिमेनिंग है अभी। चलिए तो जब तक आप लोग 10 तक नोट करेंगे और हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी करेंगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। जब तक आप एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को, हम 11 स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर करेंगे हम अपना अब 11। चलिए 11 के लिए हम इसको कर देते हैं यहां पर रफ, आराम से क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। 10 के बाद 11 नंबर, 11 नंबर में हमें कह रहा 1 2 2 4, क्या कह रहा है 1 2 2 4 1 2 2 4। चलिए देखिए 1 2 2 4 को कैसे करेंगे सर, इवन नंबर है तो 2 से चल देते हैं, 2 6 12, 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है 2 2 4, 2 1 2 2 6 12, सर अभी भी 2 से जाएगा, इवन नंबर है, 2 3 6 और 0 और 2 6 12। ठीक है सर अभी भी 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा बच्चों, 1 5 3। ठीक है देखिए 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6, सर अब तो 3 से जाएगा ना, हाँ बिल्कुल, 3 5 15 और 3 1 3, सर अभी भी 3 से जाएगा बिल्कुल जी, 17 3 होते हैं सर, अब यहाँ पर 17 1 17, बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, 1 2 2 4 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 17। तो क्या लिखेंगे सर, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और इंटू में सर 17। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया जी 11। 11 के बाद हम चलेंगे अपने 12 नंबर पर, और 12 में हमें क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए है इजी क्वेश्चन, ये बताइए यस एंड नो, कमेंट्स करिए, है ना इजी क्वेश्चन, कितने कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको वैसे तो यहाँ पर, और भी फिर भी आप लोगों कोई प्रॉब्लम तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिवाइंड करके आप देख सकते हो। 1 2 2 4 के बाद आ गए 1 3 2 3 पर, 1 3 2 3 पर आ गए हम, देखिए ये वाला पार्ट पर आ गए। चलिए जी 1 3 2 3 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो सबसे पहले देखिए 2 से तो जाने का नहीं, आपको साफ साफ पता चला क्यों, क्योंकि वहां पर क्या आ रहा है लास्ट में सर, लास्ट में हमारा यहाँ पर 3 आ रहा है। ठीक है तो 3 आ रहा है इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, हम 3 से चलते हैं। देखिए 3 4 12 और 3 4 12 और 3 1 3, सर अभी भी 3 से चलें बिल्कुल जी, 3 1 3 और 3 4 12 और 3 7 21, सर अभी भी 3 से चलें बिल्कुल जी, 3 4 12 और 3 9 27, सर अब 7 से 7 7 49, 7 1 7। देखिए ये आपका हो गया जी क्वेश्चन, देखिए 1 3 2 3 क्या बन के आया है, 3 × 3 × 3 और 7 × 7, तो 3 की पावर 3 और 7 की पावर 2। कौन सा क्वेश्चन हो गया जी आपका, ये 12 हो गया है। 13 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और 13 में हमें क्या कह रहा है वो देखेंगे, 8 7 1 2, क्या कह रहा है 8 7 1 2, अब की आपको क्वेश्चन में गिवन है, अब डरना क्या, जब ओखले में सर आपने दे ही दिया है तो डरना क्या, क्यों कितना भी बड़ा आपके सामने क्वेश्चन आ जाए फोड़ देना क्वेश्चन को। ठीक है चलिए जी 13 नंबर 1 8 7 1 2, ये आपका क्वेश्चन है 8 7 1 2। चलिए जी स्टार्ट करते हैं 8 7 1 2 को हम लोग, तो देखिए 2 आ रहा लास्ट में तो 2 से चल सकते हैं, 2 4 8, 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12। ठीक है अब भी लास्ट में कितना आ रहा है आपका, 6 आ रहा है, इसका मतलब ये हम क्वेश्चन को 2 से कर सकते हैं, तो 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12 होते हैं, 2 8 16 होते हैं, तो 2 6 हम लोग कितना लेंगे 12 लेंगे, है ना, और 3 यानी 36 आ जाएगा। तो यहाँ कितना देखिए 2 2 4 हो गया, कोई बात नहीं, 2 1 2 यानी 15 हो गए, अच्छा 15 हो गए ना, हाँ 2 7 14 और 2 8 16, 1 7 8 आ गया है। अब इसको डिवाइड करें, देखिए 2 1 2 0 लगाया हमने, 2 8 16 हो जाएगा, 2 9 कितना आ गया 18 आ जाएगा,
यहाँ 9 आ गया तो 3 से चलेंगे सर, 3 जा 9 होता है, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा सर, 3 6 जा 18 और सर 3 3 जा 9 हो जाएगा सर, 3 1 जा 3 हो जाएगा सर, 3 2 जा 6 हो जाएगा सर, 3 1 जा 3 हो जाएगा, बिल्कुल जी। अब क्या करेंगे सर, 11 से चलेंगे, 11 टाइम जाएगा सर, 11 1 जा 11, तो बच्चों 8 7 1 2 के जो फैक्टर आए क्या आ गए, 2 × 2 × 2 3 × 3 और 11 × 11, यानी क्या 2 की पावर तो सर कितना आ जाएगा 1 2 3 बार आ जाएगा सर, 3 की पावर 2 है सर, 11 की पावर भी कितना आ जाएगा 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 13 कंप्लीट होने के बाद आ गए हम लोग कौन से क्वेश्चन पर, अपने 14 पर। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जैसे भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन अपलोड होती है, कोई वीडियो अपलोड होती है, आप लोगों को तुरंत उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 14 पर, 14 बच्चों कह रहा है 9 3 1 7, क्या है 9 3 1 7, आइए देखिए 9 3 1 7। तो देखिए अगर हम 11 से चलते हैं बच्चों, तो 11 8 जा कितना होता है सर, 88 होता है, 11 8 जा कितना होता है 88 होता है। तो अगर हम लोग 11 से चलें, पहले छोटे नंबर से देख लेते चल के, चलिए 7 1 जा 7 यानी 23 हो जाएगा, 7 3 जा 21 होता है, तो सर यहाँ 2 हो जाएंगे, 7 3 जा 21 और 7 1 जा सर 7 हो जाएगा, बिल्कुल सर। ये सर 11 से ही चलेगा, अब तो किससे चलेगा यहाँ, अब ये सर 11 से ही चल पाएगा क्योंकि 1 आ रहा लास्ट में, 11 1 जा 11 सर 23 हो जाएगा, 11 2 जा 21, 11 2 जा 22 कितना हो गया सर 1, यानी 11 1 जा 11 सर, अब तो आपको मालूम ही है 11 11 और 11 1 जा 11, तो 9 3 1 7 का क्या बन गया है 7 × 11 × 11 × 11, तो 11 कितने साइन में सर 3 टाइम और इंटू में सर कितना आ जाएगा 7। तो 14 क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया ये कंप्लीट। इसी के साथ हम लोग आगे बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर, और 15 क्या गिवन है उसको आप लोग अपनी बुक में एक बार ट्राई करेंगे, खुद ट्राई करिए करने की, आपको पूरा टाइम मिलता है, अपने आप खुद जल्दी से नोट करेंगे, अपने आप करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। 1035 है क्वेश्चन आपको गिवन है, क्या गिवन है 1035 आपको क्वेश्चन गिवन है, चलिए जी 1035 खुद आप लोग अपने आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे, चलिए अपने आप कोशिश करेंगे और हमसे पहले करके आप लोग इसको दिखाएंगे 1035 को करने की। चलिए क्या गिवन है क्वेश्चन 15 नंबर में 1035, चलिए करते हैं, आइए 1035 लास्ट में 5 आ रहा है तो 2 से तो जाएगा नहीं, किससे चलेंगे सर 3 से, सर 3 3 जा 9 होता है सर, 3 4 जा 12 सर, 3 5 जा 15 सर, 3 1 जा 3 होता है, 3 1 जा 3 होगा सर, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ तो 14 हो गया ना, 3 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक है, और कितना बचा सर 3 1 जा 3 और 1 कैरी 14, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अब 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से चलेगा ना, तो अब किससे चलेगा 5 से चलेगा 1035। चलिए 3 से चल के देखते हैं हम लोग, 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 है तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा कितना हो गया 15 आ गया। देखिए अब 5 से चलेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, कितना बचा 1 और 5 3 जा कितना आ गया सर 15 आ गया सर। अब किससे चलेंगे सर 23 से चलेंगे, 23 1 जा कितना होता है 23 होता है, तो हमारे जो फैक्टर आएंगे 1035 के क्या आए 3 × 3 × 5 × 23 यानी 3 की पावर 2 और 5 × 23। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 15 कंप्लीट हो गया। 15 के बाद हम लोग आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर, और 16 में हमें क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए 16 के बाद ओनली 4 क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे, उनको भी हम धीरे धीरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए जी 16 क्वेश्चन नंबर में जो गिवन है 1197 गिवन है, क्या गिवन है 1197 गिवन। चलिए आइए देखते हैं 1197 को किससे शुरू करेंगे सर, लास्ट में 7 आ रहा है तो 2 से तो होगा नहीं, किससे शुरू करेंगे हम इसको सर, इसको हम करेंगे यहाँ पर 3 से करेंगे,
बिल्कुल जी, थ्री से कर लेते हैं, तो थ्री थ्री जा नाइन, टू हो जाएगा 29, थ्री सेवन नाइन जा 27 और थ्री नाइन जा 27 सर, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन। अब किससे चलेंगे भाई बताइए, वन थ्री थ्री आ गया है, क्या आप इसको थ्री से डिवाइड कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो फिर किससे करेंगे बच्चों? आप जल्दी से बता सकते हैं, आप लोग जल्दी बताइए। सर सेवन से कर सकते हैं, चलिए चेक कर लेता हूँ, सेवन वन जा सेवन होता है, कितने बचेंगे यहाँ से? सर सिक्स बचेंगे, और सेवन नाइन जा होते हैं सर कितने? 63, ठीक है। अब 19 वन जा कितना होता है सर? 19 होता है, तो वन वन नाइन सेवन इक्वल टू थ्री इंटू थ्री इंटू सेवन इंटू 19, यानी क्या बन जाएगा? 3 की पावर 2, 7 इंटू 19 आपका क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आ गए हम लोग अपने 17 पर, 4 क्वेश्चन ओनली बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 17 पर, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, मल्टीप्लाई की एक तरह से मानिए, जिसको मल्टीप्लाई आती है, जिसको टेबल आता है, वो आराम से क्वेश्चंस को कर सकता है। तो इसलिए पहला काम क्या होगा? टेबल याद करने का। देखिए तो जिसने टेबल याद कर ली वो कहीं रुकने वाला नहीं है क्वेश्चंस में। देखिए 4 6 4 1, चलिए देखिए, आइए 4 6 क्या गिवन है, 4 6 4 1 को क्या करना है? चलिए देखिए, सबसे पहले लास्ट में देखेंगे तो 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो आप किसी टेबल से कर नहीं सकते, तो 3 लेंगे यहाँ पर, 3 1 जा 3 3, और देखिए 16 हो जाएगा ना, 3 5 जा 15 14 हो गया, 3 4 जा 12 और 3 7 जा कितना हो गया? 21 आ गया। अब सर क्या करें? सर लास्ट में अभी हमारा कितना आ गया है? 7 आ गया। देखिए अब 7 आ गया तो आप क्या कर सकते हैं ये बताइए भाई। 7 आ गया तो एक बार 7 से करके देख लेते हैं, क्योंकि 3 से नहीं जाएगा, तो 7 से जब चलेंगे तो 7 2 जा 14, यहाँ बचा कितना? 14, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, ठीक है, कितना हो गया सर ये? 2 2 1 हो गया हमारा, कितना हो गया? 2 2 1 हो गया है। अब क्या कर सकते हैं सर? अब यहाँ पर हम लोग एक बार 13 से चल के देख लेते हैं, 13 1 जा कितना होता है बच्चों? 13 1 जा 13 होता है, और कितना बचेगा यहाँ से आपका बताइए? 13 1 जा 13 हो जाएगा, और कितना बचेगा? 7 91 हो जाएगा ना, 9 बचेंगे ना, सही है, और 17 1 जा कितना हो जाएगा? 17। तो 4 6 4 1 के जो फैक्टर हुए बच्चों, देखिए ध्यान से एक बार दोबारा समझिए, कहीं प्रॉब्लम आ रही हो आपको, 13 1 जा 13, 9 बचे हो गई 91, तो 13 7 जा 91 और 17 1 जा 17, कितना आ गया? 3 7 13 17 आपका क्या आ गया आंसर? क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया ये? 17 हो गया जी, कंप्लीट। चलेंगे हम लोग इसी के साथ अपना 18 पर, 18 में हमें क्या गिवन है हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम अपने 18 पर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस की एक्सरसाइज आपकी ओनली वन पार्ट में ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आ गए जी 18, 18 में गिवन है 4 3 3 5, देखिए 4 3 3 5, सिंपल है, लास्ट में 5 आ रहा है, तो 100% श्योर है आप लोग कि सर हम लोग 5 से चलेंगे, 3 से चलेंगे, तो 3 1 जा कितना होता है सर? 3, कितने हो गए सर? 13, 3 4 जा 12 सर कितने हो गए? 13 सर, 3 4 जा 12 सर कितने हो गए? 15, 3 5 जा 15, लास्ट में 5 आया, तो सर अब देखते हैं 5 से ट्राई कर लेते हैं, 5 2 जा 10 आ जाएगा, कितने हो गए सर? 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, 5 8 जा कितना हो गया सर? 40, कितना रिमेनिंग सर? 5 4 हो गया, और 5 9 जा 45 सर। अब हम चलेंगे 17 का ये होल स्क्वायर होता है, ये तो हमें सर मालूम था, और 17 1 जा 70, तो 4 3 3 5 इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17, तो 3 इंटू 5, ठीक है, और इंटू 17 का होल स्क्वायर क्या आ गया आपका आंसर आ गया। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका हो गया जी कंप्लीट। देखिए अब हम आ गए अपने एक्सरसाइज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो एक कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसे ही धीरे धीरे ही चलो, अपनी राह पर चलते रहो, और ऐसे ही देखिए हमारी एक्सरसाइज भी एंडिंग होने वाली है। देखिए ओनली वन पार्ट में सिंपल सी एक्सरसाइज थी, जिसको टेबल और मल्टीप्लाई आती होगी वो आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकता। देखिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने सेकंड लास्ट पर 19 पर, और क्या कह रहा है? 2907 क्या कह रहा है क्वेश्चन में?
2907। आप सब देखते ही पहचान गए होंगे कि लास्ट में सर डिजिट जो है वो 7 है, तो सर हम क्यों ना 3 से चलें। तो बच्चों बिल्कुल हम लोग किससे चलेंगे, 3 से ही चलेंगे। 3 8 जा 24, 3 9 जा कितने होते हैं 27 होते हैं। 27 हो गए तो हमारे कितने बच गए बच्चों, 2 बच्चे हो गए कितने 20, और 3 6 जा 18 कितने बचे बच्चों 18, 2 यानी 27 और 3 9 जा 27। सर अभी भी हम 3 से चल सकते हैं बच्चों, बिल्कुल चलेंगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा कितना आ गया 9 आ गया। अब सर लास्ट में हमारा कितना आ गया सर 3 आ गया। अब बताओ जी कौन से टेबल से आप इसको चलोगे, बताइए कौन से टेबल से आप इसको चलेंगे। एक बार रीचेक कर लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 20 और 3 9 जा 20 बिल्कुल ठीक है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। एक बार क्वेश्चन रीचेक कर लेते हैं। यस क्वेश्चन तो बिल्कुल यही है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार हम लोग 17 से चेक कर लेते हैं। 17 से चेक करेंगे तो 17 2 जा 34 होता है, नहीं हो पाएगा। 17 1 जा 17 आ जाएगा, कितना कैरी बचेगा वो देखिए आप हिसाब लगाइए। 17 1 जा 17 कितने बचे आपके, 3 और 10 13, 13 और 2 कितने हो जाएंगे 15। यस बिल्कुल, और 17 यहाँ जाएगा। 17 1 जा कितना आ गया आपका 17, ठीक है। पीएन 53 होते हैं ना, तो 2907 इक्वल टू 3 × 3 × 17 × 17 आएगा ना, आप सही है। और 19 वन जा कितना आ जाएगा 19, आप सही है। 17 वन जा 17, 17 9 जा 153, अब ठीक है बच्चों। 19 वन जा 19, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ 19 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, 3 की पावर 2 17 और इंटू में कितना आया आपका 19। ले लीजिए जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग अपने इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन क्या गिवन है 13915। देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2C। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दम लगा के माता दी बोल के कर देंगे सब्सक्राइब चैनल को। 20 नंबर पे आगे देखिए, तो 20 नंबर बच्चों कहता है 13915। आइए देखिए ये क्वेश्चन है। लास्ट में डिजिट आप लोग देख रहे होंगे सर यहाँ पर हमारा 5 है, तो 5 है तो सबका मतलब है सर 5 से ही कर दे, नहीं 3 क्योंकि क्या गलत हो रहा है ना, देखो 5 से चलेंगे। देखो ध्यान से अब सही हो जाएगा, क्या पता 5 2 जा 10 कोई प्रॉब्लम नहीं, 39 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 जा 10 39 हो जाएगा। 5 6 जा 35, 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, यहाँ 39 हो गया। तो 5 7 जा 35 यानी 41, 5 8 जा 40, 5 3 जा 50। अब लास्ट में कितना आ गया आपका सर, लास्ट में हमारा कितना आ गया अब यहाँ पर 3 आ गया। तो अब हम क्या करें, तो यहाँ क्या करेंगे आप 11 से देखते हैं करके, आइए देखिए 11 2 जा 22 कितना बचेगा सर 5, 11 5 जा 55 सर 3, 11 3 जा 33। सर फिर से 11 से चल के देख लेते हैं एक बार, 11 1 जा 11 2 जा 22, 3 कैरी 33, 11 3 जा 33। सर लास्ट हमारा 23 प्राइम नंबर है तो 23 से ही जाएगा। तो 13915 इक्वल टू 5 × 11 × 11 × 23 देखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो 5 11 की पावर कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर 23। लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट, यानी एक्सरसाइज हमारी 2C क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन 20 तक हमारी कंप्लीट हो जाएगी, हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 2D की बात करेंगे, और जो 2D एक्सरसाइज है वहाँ पर जो हमको क्वेश्चन गिवन है वो वहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है आपको मैं आपको देख के बता दूँ। 2D में 2D में जो क्वेश्चन हैं आपके कितने हैं, तो 2D में 34 क्वेश्चंस देखे गिवन है। इसको हमें कई पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड करना पड़ेगा, 3 पार्ट्स में तो लगभग हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ही, जब भी हमारे क्वेश्चंस आसानी से हो पाएंगे, क्योंकि 34 क्वेश्चन है टाइमिंग ज़्यादा लगेगा। फिर आप लोगों के मैसेज कमेंट्स आते हैं कि सर वीडियो कम लेंथ की बनाइए, शॉर्ट बनाइए थोड़ा जिससे प्रॉब्लम ना आए। देखिए तिवारी क्लासेस यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, मॉर्निंग थॉट्स आप लोगों के लिए अपलोड करता है, तो जरूर देखें आप लोग उसके लिए। इंस्टाग्राम पेज हमारा तिवारी मैथ्स क्लासेस भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरी खुद की पर्सनल आईडी से आप लोग जुड़ सकते हैं, तिवारी
मैथ्स गुरु शिवम 87 पर। हमारा फेसबुक पेज है तिवारी क्लासेज, वहाँ आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। एक हमारी ईमेल आईडी है tiwariclasses812@gmail.com पर आपके जो भी सुझाव हैं आप हमें भेज सकते हैं। तिवारी क्लासेस का जो टेलीग्राम पेज है, जो आप लोगों को लिए क्वीज वगैरह वहाँ होती है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2D में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि 2C आप लोगों की यहीं कंप्लीट होती है। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान। मिलते हैं 2D में, तब तक गुड बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।